हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम रोड एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रोड एस्टिमेटिंग। अगर आप रोड एस्टिमेटिंग में अर्थवर्क की बात करते हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क जो है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं अर्थवर्क को, तो कितनी क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर्ड होगी अर्थवर्क की, तो उसके लिए जो है बेसिकली दो पॉइंट्स होते हैं। या तो आप अर्थवर्क कर रहे हैं यानी बैंकिंग के लिए, बैंकिंग मतलब क्या है, ये ग्राउंड है और इसमें जो है आप एम्बैंकमेंट के साइड इसको जो है फिल कर दिया आपने इतना पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका जब इसको भर दिया तो ये पोर्शन आपका कहलाता है बैंकिंग। तो इस बैंकिंग में मतलब कि सपोज इतना एरिया आपने फिल किया तो इसकी कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड हुई, वही सपोज अगर ये ग्राउंड लेवल है और इसमें आपने इस शेप में कटिंग कर दी, तो जनरली क्या होता है जब आप बैंकिंग या कटिंग करते हैं तो हमेशा ये ट्रेपेजियम की फॉर्म में होता है, यानी ट्रेपेजॉइडल की फॉर्म में आप देख रहे हैं ये होता है। अब सपोज इसकी डेप्थ जो है, यानी कि जो टॉप विड्थ है वो सपोज कैपिटल बी है, और ये जो स्लोप है आपने सपोज S:1 का जो है वो स्लोप कंसिडर किया हुआ है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ओवरऑल ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। जब ये एस है तो ये वन है, और ये डेप्थ सपोज स्मॉल डी है तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी S:d। सिमिलरली ये वैल्यू भी S:d हो जाएगी, ठीक है। अब वही अगर यहाँ पे बात करें, कैपिटल डी है, इसको आपने कटिंग कर रखी है S:1 स्लोप में, तो आपको पता है कि ओवरऑल ये जो डेप्थ है ये स्मॉल डी अगर है तो ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी S:d और ये हो जाएगी S:d। तो सबसे पहले क्या होता है, सपोज अगर सेक्शनल एरिया की आप बात करें, यानी ये जो सेक्शन है ये तो अर्थवर्क का जो कि बैंकिंग और कटिंग में आप देख रहे हैं, तो इसका जो सेक्शनल एरिया होता है वो होता है आपका कि टोटल ट्रेपेजॉइडल का एरिया, यानी आपको फाइंड करना है। या तो आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए और इन ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल लीजिए, या डायरेक्टली आप ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकाल सकते हैं। तो आपको पता है ट्रेपेजॉइडल का एरिया के लिए टॉप बिट और बॉटम बिट का सम, यानी कि टॉप बिट बी है और बॉटम बिट कितनी है, ये एस डी है, और बीच की बिट आपको पता है बी है, तो टोटल कितनी हो गई, बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस डी, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, टॉप प्लस बॉटम बिट इनटू ओवरऑल डेप्थ इनके बीच की जो होती है डिवाइडेड बाय 2। तो ये सेक्शनल एरिया होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली बी इंटू डी प्लस S:d². सिमिलरली वही ट्रेपेजॉइडल का एरिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब सपोज आपको क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालना है, तो क्वांटिटी का मतलब है कि ओवरऑल वॉल्यूम आप फाइंड कर लेंगे, वही आपकी क्वांटिटी होगी। तो वॉल्यूम क्या होगा कि ओवरऑल सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, यानी कि ये जो एम्बैंकमेंट है कितनी लेंथ में एक्सपेंडेड है, तो वो ओवरऑल लेंथ अगर आप सपोज एल लेंथ है तो उससे एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, मेथड्स फॉर फाइंडिंग द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। तो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है आप अर्थवर्क की क्वांटिटी फाइंड करते हैं, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। तो सपोज जो पहला मेथड आता है वो कहलाता है आपका मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मिड सेक्शनल एरिया मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो भी आप क्वांटिटी फाइंड करते हैं, यानी कि जो भी ओवरऑल वॉल्यूम फाइंड करते हैं उसको, वो इक्वल होता है एरिया ऑफ मिड सेक्शन, एरिया ऑफ मिड सेक्शन इनटू लेंथ। मिड सेक्शन का मतलब है, अब आप सपोज किसी एम्बैंकमेंट के अलोंग जब आप उसको अर्थवर्क कर रहे हैं, यानी कि कटिंग या फिलिंग कर रहे हैं, तो आपको पता है कि डेप्थ जो है वो तो सेम नहीं रहेगी बैंक की, ओवरऑल किनारा है जैसे कि रोड है इसके बैंक पे अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने सपोज ये आपने ट्रेपेजॉइडल यहाँ पे यूज़ किया एम्बैंकमेंट फिलिंग, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है बैंक की डेप्थ डिफरेंट है और यहाँ पे बैंक की डेप्थ डिफरेंट है। तो सपोज D1 एंड D2 जो है ये आपकी है हाइट ऑफ बैंक एट टू एंड पोर्शन, हाइट ऑफ बैंक ये BANK है किनारा एट टू एंड्स पोर्शन, यानी कि अलग अलग एंड्स पोर्शन पे देख लिया। सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग में D1 है और इस एंड पर जो है वो डेप्थ बैंक की D2 है, तो आपने क्या किया, इन दोनों की आपने मिडिल डेप्थ निकाल ली, यानी कि सेंटर पे जो है एवरेज फाइंड कर लिया, जो कि डेप्थ क्या आ गई आपकी DM, जहाँ DM इक्वल टू क्या है D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपने बस एवरेज डेप्थ फाइंड कर ली। तो आपने जब अगर ओवरऑल देखते हैं
कि ये जो अर्थवर्क है, यानी कि ये अर्थवर्क कुछ इस टाइप का है क्रॉस सेक्शन इसका। तो सपोज ये टॉप बिट बी है, अब इसने आपने क्या किया, एवरेज डेप्थ निकाल ली, यानी कि ये डीएम सपोज एवरेज डेप्थ हो गई, ये स्लोप आपका एस एस टू वन है, यहाँ पे एस एस टू वन है, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगी एस इंटू डीएम, और यहाँ से यहाँ तक भी ये वैल्यू हो जाएगी एस इंटू डीएम, सेंटर क्या है बी, तो ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी अर्थवर्क की, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ मिड सेक्शन। तो ये मिड सेक्शन हो गया, इसका एरिया फाइंड करना है, तो आपको पता है बी इंटू डीएम प्लस एस इंटू डीएम स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो एरिया हो गया, यानी और इंटू लेंथ ऑफ दी सेक्शन, जो लेंथ है एम्बैंकमेंट पोर्शन की, वो ओवरऑल लेंथ क्या है यहाँ से यहाँ तक सपोज कैपिटल एल, तो आपने जो है क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क विद द हेल्प ऑफ मिड सेक्शनल एरिया, यानी ओवरऑल एरिया जो है वो मिड पॉइंट का एरिया निकाल लिया। तो मिड पॉइंट का एरिया निकालने के लिए ओवरऑल डेप्थ का आपने क्या किया, एवरेज फाइंड कर लिया, उससे जो है ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क आपने फाइंड कर ली। तो ये आपका पहला मेथड है मिड सेक्शनल एरिया मेथड। अब नेक्स्ट मेथड आता है जो कि आपका कहलाता है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं आप, सेक्शनल एरिया जो होते हैं अलग अलग, उनका एरिया निकाल लेते हैं, उनका मीन लेते हैं, यानी कि इस केस में जो क्वांटिटी आती है अर्थवर्क की वो होता है आपका मीन सेक्शनल एरिया, मीन सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ऑफ दी एम्बैंकमेंट या लेंथ ऑफ दी सेक्शन। पहले आप क्या कर रहे थे, मिड सेक्शन का एरिया ले रहे थे, अब आप क्या कर रहे हैं, जो एरिया है उनका मीन ले ले रहे हैं, यानी कि सपोज इधर साइड एक एरिया ये एम्बैंकमेंट का था, इसका एरिया ये था, अब इन दोनों एरिया का ही आपने एवरेज ले लिया, सपोज ये ए वन एरिया था और ये ए टू एरिया। तो अगर आप ए वन एरिया की बात करें तो आपको पता है कि वहाँ पे डेप्थ, सपोज यहाँ पे डेप्थ क्या है डी वन है और यहाँ पर डेप्थ है डी टू, तो यहाँ पर ओवरऑल एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी वन प्लस एस इंटू डी वन स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ए टू एंड पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी टू प्लस एस इंटू डी टू स्क्वायर। अब आपने एरिया जो है वो मीन एरिया फाइंड कर लिया, विच इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू डिवाइडेड बाई टू, यानी डायरेक्टली एरिया का ही आपने मीन ले लिया। तो जो फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी अर्थवर्क की, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क मतलब ओवरऑल वॉल्यूम जो है रिक्वायर्ड है कितना, तो यहाँ से एरिया इंटू कितनी लेंथ तक, तो ओवरऑल पूरी क्वांटिटी आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी, कितना आपको अर्थवर्क रिक्वायर्ड है। तो आपको पता है मीन एरिया कितना है, ए एम इंटू लेंथ, यानी कि ए वन प्लस ए टू डिवाइडेड बाई टू इंटू लेंथ ऑफ दी सेक्शन। तो ये आपका आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। ये दूसरा मेथड कहलाता है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, यानी कि इस मेथड में आपने सेक्शनल एरिया जो थे अलग अलग एंड्स पर उनका आपने मीन ही ले लिया। पहले क्या कर रहे थे आप, डेप्थ का मीन ले रहे थे, यहाँ पे सिंपली मीन सेक्शनल एरिया फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड आता है अर्थवर्क की क्वांटिटी फाइंड करने का, दैट इज प्रिज्मोइडल फॉर्मूला मेथड, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, प्रिज्मोइडल फार्मूला लगाते हैं, सपोज ओवरऑल अलोंग दी लेंथ आपने देखा कि एम्बैंकमेंट में अलग अलग बैंक की जो डेप्थ है वो हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि चेंज होती जा रही है। तो आपको पता है कि सपोज इनिशियल डेप्थ जो है, अलग अलग डेप्थ हैं उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, एरिया फाइंड कर लिया। इस डेप्थ पे एरिया सपोज ए नॉट है, ये ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट एरिया आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रिज्मोइडल फार्मूला क्या कहता है कि अगर ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी सेक्शन की लेंथ है, डिस्टेंस है, वो सपोज कैपिटल डी है, तो प्रिज्मोइडल फार्मूले के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी या वॉल्यूम निकलता है, क्वांटिटी कह सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, या आप कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, यानी टोटल जो वॉल्यूम है वो, विच इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रिज्मोइडल फार्मूला ये कहता है कि जो टोटल लेंथ है सेक्शन की डिवाइडेड बाय थ्री इंटू ए नॉट फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, ठीक है। तो ये एरिया प्लस फोर टाइम्स ऑफ ऑड एरियाज, यानी कि ऑड एरियाज हैं ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव प्लस डॉट डॉट प्लस टू टाइम्स ऑफ इवन एरियाज, जैसे कि ए टू प्लस सॉरी ए फोर प्लस ए सिक्स प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस टू, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है आपका कहलाता है वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला, यानी डायरेक्टली यहाँ पे ध्यान रखिएगा डी बाई थ्री, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, ठीक है। जो फर्स्ट और लास्ट एरिया है इनका आपने सम कर लिया, प्लस फोर टाइम्स ऑफ ऑड एरियाज, जितने भी ऑड एरियाज हैं उनका सम, यानी समेशन ऑफ ऑड एरियाज,
प्लस टू टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ इवन एरियाज। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप ओवरऑल वॉल्यूम एक्सकवेशन का फाइंड कर सकते हैं। बात हो गई प्लेन ग्राउंड पे अगर आप अर्थवर्क की क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्थवर्क इन हिल रोड्स, यानी कि अगर आप हिल रोड्स में जो है फाइंड करना चाहते हैं अर्थवर्क, तो इसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट केस आपका आता है कि फुल्ली इन बैंकिंग और फुल्ली इन कटिंग, यानी कि अगर हिल रोड्स पे अगर आप बात कर रहे हैं या तो अर्थवर्क जो है फुल्ली बैंकिंग में है और फुल्ली कटिंग में, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप कंसीडर करते हैं, जैसे कि जो ट्रांसवर्स स्लोप होता है, ट्रांसवर्स स्लोप ऑफ ग्राउंड, जो ग्राउंड का स्लोप है जनरली, वो सपोज आपने कंसीडर कर लिया r = 1, यानी कि r हॉरिजॉन्टल किस टू 1 जो है वो वर्टिकल, ठीक है। अब सपोज साइड स्लोप जो है वो आपने बैंक का लिया, साइड स्लोप ऑफ बैंक, या कटिंग की अगर आप बात करें तो नॉर्मली क्या है, सपोज s = 1, यानी कि s हॉरिजॉन्टल = 1 वर्टिकल, ठीक है। और जो हाइट ऑफ बैंक है वो आपने सपोज कंसीडर करी, हाइट ऑफ बैंक और डेप्थ ऑफ कटिंग या फिलिंग सपोज एट सेंटर, यानी सेंटर पे अगर आप बात कर रहे हैं तो ये सपोज स्मॉल d है, और हाफ फॉर्मेशन विड्थ जो है वो सपोज है आपकी स्मॉल b। तो ये कुछ वैल्यूज हैं सपोज आपको पता है, जैसे कि ये ग्राउंड है, यानी कि ये स्लोप है ग्राउंड का, तो सपोज यहाँ पर ये ग्राउंड है और आपको पता है ये ग्राउंड ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ट्रांसवर्स स्लोप ग्राउंड का क्या है, r = 1, यानी इसका जो स्लोप है ये है r = 1, जैसे कि r हॉरिजॉन्टल = 1 वर्टिकल। और इस पर जो है कटिंग या फिलिंग में, यानी सपोज इस पर जो है वो बैंकिंग आप कर रहे हैं, तो इस टाइप का कुछ कर बनेगा कि सपोज ये जो है ओवरऑल आपका, ये आपका बैंकिंग, यानी ये अर्थवर्क जो है आप इस टाइप में बैंकिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो सपोज इसका सेंटर अगर आप लें तो ये सेंटर होगा, यानी जो सेंटर में डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक की वो क्या है, स्मॉल डी। हाइट ऑफ बैंक और डेप्थ ऑफ कटिंग जो है या फिलिंग की ये जो डेप्थ है ये सपोज सेंटर पे कितनी है, स्मॉल डी, और हाफ फॉर्मेशन विड्थ जो है वो स्मॉल बी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की विड्थ बी है और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ भी बी है, ठीक है। और इसका जो स्लोप है वो s = 1 है, यहाँ पर भी जो स्लोप है वो s = 1 है, तो ये वैल्यूज जो है वो आपको गिवन है। ये जो एरिया है आपने मान लिया ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। सिमिलरली सपोज यही एरिया सपोज अगर कटिंग में आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये ग्राउंड है और यहाँ पे ये सपोज ग्राउंड लेवल है और ये जो है हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ पे आप कटिंग में इसको जो है यूज़ कर रहे हैं अगर, तो कुछ इस टाइप की कटिंग आएगी स्लोप पे, तो इस कटिंग में अगर इसकी आप सेंटर लाइन की बात करें तो ये हो गई, और सेंटर से जो विड्थ है वो सपोज बी है, ठीक है। ओवरऑल जो सेंटर में डेप्थ है वो स्मॉल डी है, इस ग्राउंड का जो स्लोप है वो आपका r = 1 है, और ये जो स्लोप है कटिंग का ये है s = 1। तो ये सेम वैल्यूज जो है वो आपकी गिवन है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और डी, तो यानी कि फुल्ली इन बैंकिंग और फुल्ली इन कटिंग, अगर स्लोप ग्राउंड पे अगर आप बात करें हिल रोड्स में, तो या तो फुल्ली बैंकिंग में पूरी तरीके से आपने फिल कर रखा है या पूरी तरीके से आपने कटिंग कर रखी है, तो उस केस में जो अर्थवर्क का एरिया है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस केस में एरिया क्या होगा, ए बी सी डी, और यहाँ पे भी एरिया क्या होगा, ए बी सी डी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, लिख लीजिए यहाँ पर, एरिया ऑफ ए बी सी डी ये इक्वल होता है s into b square plus r square 2b into d plus s times of d square divided by r square minus s square। डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, स्लोप s = 1 है, वहाँ पे ये स्लोप हो गया, b आपकी हाफ फॉर्मेशन विड्थ है, r स्लोप जो है ग्राउंड का है, b और आपको पता है d जो है वो सेंटर लाइन डेप्थ है, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी की जो वैल्यू आती है वो आती है ये। तो ये जो है आपको फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अब सपोज केस टू की बात करते हैं, तो केस टू में क्या है कि अगर जो एक्सकवेशन है वो पार्टली इन बैंकिंग एंड पार्टली इन कटिंग, यानी कि कुछ पार्ट जो है वो बैंकिंग में है, कुछ पार्ट जो है वो कटिंग में है, तो उस केस में जो है एरियाज की वैल्यू क्या क्या होंगी। तो इस केस में क्या होता है कि सपोज कोई ये स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है
और ये सपोज ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो कुछ इस टाइप का एक्सकवेशन जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। सपोज ये जो है एक्सकवेशन है, ठीक है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है एक। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, सपोज अगर आप पॉइंट ये कह रहे हैं, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो अगर आप इस बीट सी यानी टोटल विड्थ का जस्ट हाफ करें, तो सपोज ये कोई हाफ आ रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की ये बिट जो है हाफ फॉर्मेशन बिट स्मॉल भी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाफ फॉर्मेशन बिट है, सॉरी यहाँ तक की जो हाफ फॉर्मेशन बिट है वो भी स्मॉल भी हो गई, ठीक है। तो ये बिट हो गई बी। अब सपोज ये जो पॉइंट है जी, ये यहाँ पर है, यानी ये पोर्शन बैंकिंग में है और ये पोर्शन जो है वो आपका कटिंग में है। तो इसको आप कह सकते हैं ये पोर्शन आपका बैंकिंग का है और ये पोर्शन आपका कटिंग का है। अब सपोज जो ग्राउंड स्लोप है उसका जो स्लोप है वो सपोज आर एस टू वन है, और ये जो बैंकिंग का स्लोप है सपोज ये एस एस टू वन है, और ये जो कटिंग है इसका स्लोप सपोज है ये आपका है पी एस टू वन। तो यहाँ पर अगर आप एरिया फाइंड करते हैं ए बी जी का, यानी एरिया ऑफ ए बी जी, तो ये फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू बी माइनस आर इंटू स्मॉल डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस एस। सिमिलरली अगर आप एरिया फाइंड कर रहे हैं कटिंग पोर्शन का यानी डी सी जी का, तो इस केस में जो फॉर्मूला आता है दैट इज़ हाफ इंटू बी प्लस आर इंटू डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस बी। तो ये जो है ओवरऑल रहता है। लेकिन अगर ये जी पॉइंट है, अब आप देख रहे हैं ये पॉइंट सेंटर है, यानी कि इसका जो विड्थ अगर आप सेंटर पॉइंट देखेंगे एफ है, तो ये जो सेंटर पॉइंट है सपोज ये पॉइंट विड्थ का ओवरऑल बी सी का सेंटर पॉइंट एफ है, यानी अगर ये जी पॉइंट एफ के राइट साइड होता तो क्या होता, इफ जी फॉल्स ऑन राइट साइड ऑफ बी सी, राइट साइड ऑफ सेंटर एफ, यानी सेंटर एफ के अगर ये सेम राइट साइड होता, यानी कि बैंकिंग पोर्शन ज़्यादा है और कटिंग पोर्शन आपका कम है, तो उस केस में जो एरिया होता है आपका सपोज ए बी जी का अगर आप एरिया फाइंड करते हैं तो जस्ट साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि हाफ इंटू बी प्लस आर डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस एस। और वही अगर एरिया जो है अगर आप डी सी जी का निकालें तो ये सिंपली हो जाता है हाफ इंटू बी माइनस आर डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस बी। ये जहाँ पर आपको पता है पी जो है इसका कटिंग का स्लोप है और एस एस टू वन जो है ये आपका बैंकिंग का स्लोप है। तो बस ये ध्यान रखना है अगर जी पॉइंट इधर है सेंटर लाइन के, यानी ये पोर्शन कम है ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप माइनस साइन कर देंगे तभी ये कम वैल्यू मिलेगी। वही अगर ये इधर साइड है इसका मतलब है कि जो बैंकिंग पोर्शन है वो एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे बस सिंबल अपोजिट कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए और ये वाला साइन इसका क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये जो फॉर्मूले हैं, कुछ कभी कभी ये क्वेश्चंस जो हैं जस्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि अगर पार्टली बैंकिंग में है कटिंग में है इस टाइप का डायग्राम बना देंगे तो बताइए एरिया क्या होगा। तो फाइनली ये एरिया जो है आप यहाँ से बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।